Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, जिसका नाम है The Atomic Structure. आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 25, but make sure आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हों. Well, हम last leg of the journey into the structure of atom है. ऑलमोस्ट हमने सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है. फ्रॉम द टाइम डाल्टन ने हमें बताया कि एटम इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर, फिर शुरू हुई जर्नी इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे हमने सीखा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने अपने अपने मॉडल्स दिए एटम के लिए, जहां पे उन्होंने बताया कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं. बोहर ने बताया वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं. फिर उसके बाद सोमरफेल्ड ने बताया नहीं, ऑर्बिट्स के अंदर सब शेल्स भी हैं. और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमें मालूम लगा कि वो फिक्स्ड ना होकर एक ऐसी थ्री डायमेंशनल स्पेस में घूम रहे हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और वो एरिया ऑफ स्पेस क्या है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल. वेल, हम इन सब चीजों में बात क्या कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में इन ऑर्बिटल्स में कहाँ पे है, वो न्यूक्लियस के आसपास कैसे घूम रहा है. तो अब आज जो हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक, वो क्या है, वो हमें ये बताएगा कि एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरीके से प्लेस्ड हैं. वेल, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जिससे हमें ये मालूम लगेगा कि अरेंजमेंट क्या है वेरियस ऑर्बिटल्स की इन एन एटम अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एनर्जीज. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस अरेंजमेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की इन ऑर्बिटल्स में फिलिंग होती है, और हमें एक एटम के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि कैसे सेंटर में न्यूक्लियस है और फिर इस ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सो ऑन. तो लेट अस स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम दो चीजों के लिए सीखेंगे, पहला हाइड्रोजन एटम के अंदर और एक बाकी एटम्स के लिए, जहां पे फर्क क्या है कि हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी सब एटम में ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. तो वहां पे ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स का, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. तो पहले हाइड्रोजन के केस की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी है, दैट इज गोइंग टू बी डिटरमिंड सोली बाय द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जब सेम शेल में है तो उसके पास इक्वल एनर्जी होगी, चाहे वो किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो. तो अगर वो सेकेंड शेल में प्रेजेंट है, तो चाहे वो 2s ऑर्बिटल में हो या 2px में हो या 2py में हो या 2pz में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन सब ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी होगी, राइट. और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में है, इसका मतलब क्या है कि उसकी सबसे मिनिमम एनर्जी है. मिनिमम एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी, राइट. और जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, एनर्जी बढ़ती जाती है अप टिल n इक्वल टू इन्फिनिटी, जो कि हम कहते हैं कि वहां पे एनर्जी जीरो है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर 1s में है तो सबसे कम एनर्जी, देन सेकेंड शेल में चला गया तो वहां पे क्या होगा,
2s और 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, मगर इनमें से किसी में भी इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। 1s हाइड्रोजन के लिए एक एटम होने की वजह से कौन सी स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट थी, और जब उसको एनर्जी मिलेगी वो जंप करके 2s में भी जा सकता है, 2p में भी जा सकता है, हायर शेल्स के अंदर भी जा सकता है, मगर वो एक ही वो इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है, सिर्फ न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेस का, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए ये एनर्जी जो है वो बराबर होगी डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए। अगर वो थर्ड शेल में चला जाएगा तो 3s में जा सकता है, 3p में जा सकता है, 3d की किसी ऑर्बिटल में जा सकता है, बट सबकी एनर्जी सेम रहेगी। सिमिलरली 4s, 4p, 4d, 4f सबकी एनर्जी सेम रहेगी। बट दिस इज नॉट द केस व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में क्या होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर जो एनर्जी होगी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट विल नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट इट विल बी आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n पे ही नहीं, l की वैल्यू पे भी डिपेंडेंट है। और अगर इसका मतलब ये है कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो L की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, n 0 से लेके n माइनस 1 तक। इसका मतलब क्या है कि s, p, d, f जिनके लिए L की वैल्यू डिफरेंट है वहां पे सबकी एनर्जीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट। तो n सेम होते हुए भी जो सब शेल्स हैं उनकी डिफरेंट एनर्जीज हैं, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, L0 की, L0 की। तो इसका मतलब है कि सबसे कम एनर्जी S सब शेल की, फिर P की, फिर D की और फिर F की, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब बात यह है कि इनकी अब एनर्जीज हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में डिफरेंट क्यों हो गई। हाइड्रोजन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन बिटवीन उसके अंदर कोई और इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, मगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या होगा, एक नहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सब नेगेटिवली चार्ज तो है। अगर वो सब नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो वो आपस में क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ, मगर ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और अगर ये आपस में एक दूसरे को जब रिपेल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ये रिपल्शन है उसकी वजह से एनर्जी के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, और ये एनर्जी डिफरेंसेस हायर एनर्जी लेवल्स पे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इन बिटवीन नंबर बढ़ जाता है तो वो डिफरेंसेस ज्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं, एंड इवन इट इज सीन देयर इज स्टैगरिंग ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें 4s और 3d का, थर्ड शेल की एनर्जी फोर्थ शेल की एनर्जी से कम होनी चाहिए, राइट, मगर हम देखते हैं कि 3d की जो एनर्जी है वो 4s से ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं d ऑर्बिटल्स में, s में 2 आते हैं, तो ये जो 3d ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन ज्यादा होंगी, और इसलिए इट विल एक्वायर अ हायर एनर्जी देन 4s ऑर्बिटल, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम सा होता है, बट स्टिल 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होगी, बिल्कुल वैसे ही 5d की एनर्जी 6s से ज्यादा होगी, 6p की एनर्जी 4f से ज्यादा होगी। अब इससे मतलब क्या बना हमारा, कि इलेक्ट्रॉन दो चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक है न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से और दूसरा जो साथ के उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके रिपल्शंस की वजह से। और इलेक्ट्रॉन एटम में स्टेबल तब होगा जब उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं और रिपल्सिव फोर्सेस कम है, राइट। तो अगर हम सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को अब देखें, ठीक है, तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो इन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट होंगी,
ये आप आगे अभी समझोगे कि कैसे डिपेंडेंट होंगे जब हम कोर्स पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए अगर हम देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बहुत सारी अंदर शेल्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली, जितना भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतनी बीच में शेल्स ज्यादा होंगी, मगर ये जो बीच में शेल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो इन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल कर रहे हैं, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का इफेक्ट है वो इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। क्यों लोअर हो जाएगा? क्योंकि इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ने उस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा थोड़ा स्क्रीन कर दिया, ठीक है, उसको वो वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, वो शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने नहीं दे रहे। और इसलिए क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है एक्सपीरियंस जो कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं वो कम हो गया, और नेट पॉजिटिव चार्ज जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेंगे उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज जेड इफेक्टिव, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट की होते हुए भी फिर भी अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस होंगी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ, और ये इंटरैक्शंस बढ़ेंगी जैसे जैसे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, दैट मींस कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एलिमेंट का वैसे वैसे ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी। फाइन, आई होप एवरीथिंग इज नाउ क्लियर। चलो, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए। तो इससे अब आप क्या देख सकते हो कि 1s सबसे कम एनर्जी, फिर सेकेंड शेल में ब्रेक ऑफ एनर्जी हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी है बिटवीन 2s एंड 2p, और 2s की एनर्जी कम है 2p से, ठीक है। फिर उसके बाद 3s और 3p में स्प्लिटिंग हो गई, 3d 4s से भी ऊपर चला गया, अभी हमने बात की थी कि 4s से 3d की एनर्जी ज्यादा होती है। फिर हमारे पास 4p है, 5s है, 4d है, 5p, 6s, 4f, तो इस तरीके से ये एनर्जी के अंदर वेरियस शेल्स के बीच में भी स्प्लिटिंग हो गई, राइट। और ये जो स्प्लिटिंग है ये किस पे डिपेंडेंट है, n प्लस l वैल्यूज पे, और n प्लस l वैल्यूज पे क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन आ गई जिससे स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी हुई, राइट। सो अब हम इसको अगर सब चीजों को सम अप करें तो हमारे पास क्या है कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन है वो डिक्रीज करती है जबकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। देन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा एस का होगा, उसकी स्फेरिकल शेप की वजह से, वो पूरा एक स्फीयर है, पूरा एक स्फेरिकल क्लाउड है जो कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पी, पी की शेप जैसे भी है उसके अकॉर्डिंगली वो डी से ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, फिर डी और फिर एफ, और ये हम बात कब कर रहे हैं जबकि वो एक सेम शेल के आगे सब शेल्स हैं, फाइन। नेक्स्ट, अगर हमारे पास देखना है कि टाइम स्पेंट बाय द इलेक्ट्रॉन्स क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो होंगे एस के, उनकी शेप की वजह से, तो स्फेरिकल शेप है, फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब सेम होगा तो जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन दिस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द एजिमुथल क्वांटम नंबर एल, राइट। तो जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, वो कम होगा, इसका मतलब है कि जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड टू द न्यूक्लियस है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ।
और जो एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस है दैट इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स, और उसकी वजह से क्या हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स विद इन द सेम शेल हुआ है, राइट. और अब ये स्प्लिटिंग किस पे डिपेंडेंट थी, n प्लस l वैल्यूज पे, राइट. तो एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, l प्लस l वैल्यू, n प्लस l वैल्यू पे. और जितनी कम होगी n प्लस l वैल्यू फॉर एन ऑर्बिटल उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर दो ऑर्बिटल्स की सेम n प्लस l वैल्यू आ जाएगी तो आप देखोगे कि जो ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n है उसकी लोअर एनर्जी है. मैं अभी आपको उसका डायग्राम टेबुलर फॉर्म में दिखाती हूँ. और साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट चीज और याद रखनी है कि अगर हम कंपेयर करेंगे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल, कंपैरिजन वेरियस एटॉमिक नंबर वेरियस एलिमेंट्स के लिए, तो जो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है. तो जैसे कि अगर हम 2s ऑर्बिटल की एनर्जी को कंपेयर करें हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम की, तो सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, और 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर लिथियम फिर सोडियम, और सबसे कम एनर्जी पोटेशियम की क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा. सो नेक्स्ट, अब हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में चार्ट है n प्लस l वैल्यूज का फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स, और इसको अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम को साथ में रख के कंपेयर करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो जो एनर्जी लेवल डायग्राम हो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली है, राइट. तो 1s की सबसे कम एनर्जी होती है और उसकी सबसे कम n प्लस l वैल्यू भी होगी, राइट. तो n 1 l 0 और सम क्या हो जाएगा 1. फिर उसके बाद 2s आएगा जिसका n प्लस l वैल्यू 2 है. फिर 2p और 3s दोनों की n प्लस l वैल्यू कितनी है, 3 है, राइट. मगर n वैल्यू कम किसकी है, 2p की, तो इसलिए इसकी एनर्जी 2p की 3s से कम हो गई, राइट. नेक्स्ट वी कम अप टू 3p, तो 3p की एनर्जी कितनी, n प्लस l वैल्यू 4 है, और अब 4s को देखेंगे तो वो भी 4 है, मगर फिर से n वैल्यू किसकी कम है, 3p की, इसलिए 3p की एनर्जी कम 4s की ज्यादा. तो अभी तक हमारे पास क्या ऑर्डर हो गया, 1s 2s 2p 3s 3p, राइट. और उसके बाद 4s, 3d पहले क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी n प्लस l वैल्यू कितनी है, 5. 4s की 4 थी इसलिए हमने 4s को पहले रख दिया. और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3d और 4p. 3d और 4p में अगेन n प्लस l वैल्यू 5 है, मगर अब 3d का n जो है वो कम है, तो 3d की एनर्जी क्या हो जाएगी, 4p से कम. तो इस तरीके से आप एक पूरा सारे ऑर्बिटल्स के लिए चार्ट फॉर्म कर सकते हो और आपके पास एक ऑर्डर आ जाएगा सारे एनर्जी लेवल्स का, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी का, फाइन. So that will be all for this lecture. अब इस energy level diagram के basis पे हम next lecture में इन orbitals की filling करेंगे electrons के साथ. उसके लिए कुछ rules सीखेंगे और कि कैसे हम इनको fill कर सकते हैं. बहुत interesting होगा. I hope you will join me back again for this lecture. In case आपको इस lecture में कुछ doubt है तो आप हमें mail कर सकते हो h2ochemistry@gmail.com पे. और साथ ही में अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक जरूर करना और हमारे चैनल H2O का सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, राइट. बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम जल्दी से आपको एक लेक्चर पोस्ट करें, कोर्स पोस्ट करें. तो अभी के लिए इतना ही. बाय बाय. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.